सो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फिजियोथेरेपी इन नॉक नीज। अब ये नॉक नीज कंडीशन क्या होती है कि जैसे आम तौर पर हम खड़े रहते हैं तो हमारे घुटने हैं वो सीधे ही रहने चाहिए, पर नॉक नीज में क्या होता है, आपके जो घुटने हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं और वो कभी कभी इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि जेनेटिक कॉज हो सकता है, या अंदरूनी कोई चोट लगी हो, फ्रैक्चर हुआ हो, या आपके बायोमैकेनिकल कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि फ्लैट फीट होना, या आपकी जो हिप है उसमें जो एंगल होता है जिसमें आपकी जो बॉल है, हिप की जो बॉल है बोन की, वो थोड़ी सी उसका जो एंगल होता है वो कम होता है, उसकी वजह से भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से नॉक नीज होती है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आती है, देखिए चलने में प्रॉब्लम आती है, नीज में पेन रहता है, बैलेंस की प्रॉब्लम आती है, और मेन जो आर्मी में जो लोग हैं उनका भी काफ़ी रिजेक्शंस इस कंडीशन की वजह से आते हैं। तो आज मैं आपको इसकी फिजियोथेरेपी बताऊँगी। तो पढ़ते हैं हम अपने फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल की तरफ। इस कंडीशन में जो हम पहली पोजीशन लेंगे वो है वो क्रॉस सिटिंग पोजीशन लेंगे, और हमको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज में इस तरह से आपको दोनों अपने जो पंजे हैं वो एक साथ मिला लेने हैं और आपको ये मूवमेंट करनी है। देखिए दोनों हाथ से आपको नीचे की तरफ प्रेशर भी लगाना है, इससे क्या होगा कि आपका जो घुटना है वो थोड़ा सा इस तरफ आ गया होता है, तो हम इस प्रेशर से उसको पीछे की तरफ धकाव देते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज है वो आप कम से कम 30-40 बार करिएगा स्टार्टिंग में, और इसे आपको दिन में 3 बार करना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड एक्सरसाइज में आपको फिगर ऑफ फोर एक्सरसाइज करनी है। उसमें फिगर ऑफ फोर में आपको इस तरह से बैठ जाना है और एक पैर आपको इस तरह से रखना है। ये देखिए फिगर ऑफ फोर बन गया है, 4 नंबर का आंकड़ा, और आपको यहाँ से इस तरह से नीचे थकाव देना है। इस थकाव को आपको कम से कम 20-25 सेकंड के लिए होल्ड करना रहेगा, और ये आपको एक बार करने बैठे तो 3 बार करिएगा। मैं आपको दूसरे पैर में भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से आपको फिगर ऑफ फोर बनाना है। देखिए 4 नंबर बन गया और आपको इस तरह से यहाँ थकाव देना है। चलते अपने तीसरे नंबर की एक्सरसाइज की तरफ, उसे हम बोलेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। उसमें आपको इस तरह से एक पैर जो है वो मोड़ देना है और दूसरे पैर में इस तरह से आपको आगे झुकाव करके उसको अपने पंजे को टच करने की कोशिश करनी है। मेरी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है इसलिए मैं कम जा पा रही हूँ, पर जिन लोगों की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा जा सकते हैं, इतना अच्छा कि आपकी नोज है वो आपके नीज को टच कर सके। इस स्ट्रेच को भी आपको जो है 20-25 सेकंड तक होल्ड करना है, और ये भी आप 3 बार करिएगा। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको इस तरह से थेराबैंड की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आपको इस तरह से अपने दोनों पैर को बांध देना है। आगे मैंने नॉट लगा रखी है, और जो थेराबैंड है वो आपकी नी से थोड़ा सा ही ऊपर होना चाहिए। अच्छे से बांधिएगा टाइट करके, और फिर आपको जो है वो बाहर खोलना है। ये स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, हमारे जो थाइज मसल्स हैं जो घुटने में भी अटैच होते हैं उनकी। इस एक्सरसाइज को भी आप जो है 10 टाइम्स करिएगा, और जैसे जैसे प्रोग्रेस होते जाए आप इसके काउंट्स बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे वाली एक्सरसाइज में आपको लंजेस करने हैं, जैसे आपको सीधा इस तरह से खड़े हो जाना है और एक पैर जो है आपको इस तरह से बाहर की तरफ साइड में रखना है, और आपके इस घुटने से आपको मोड़ना है। देखिए मेरा ये वाला घुटना बिल्कुल सीधा है, इसको इस तरह से ऐसे कुछ भी मोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको एक जो घुटना है जो आपका पैर साइड में उसको ही इस तरह से मोड़ना रहेगा। सिमिलरली दूसरे पैर पे भी इस तरह से आपको मोड़ना है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम्स करनी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट एक्सरसाइज है, वो है सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट में आपको एक अच्छा खासा गैप बनाना है अपने दोनों पैरों के बीच में, और इसको इस तरह से आप बिल्कुल अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में रखना है, और आपको इस तरह से नीचे बैंड होना है। देखिए जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो जिन लोगों को पैरों में तकलीफ है उनके पैर इस तरह से अंदर की तरफ होंगे, तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे
तो जो पैर है आपके बाहर की तरफ खुलेंगे और आपकी जो नॉक नीज की कंडीशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ये भी एक्सरसाइज को आपको 10 times करना रहेगा। ये हम अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे। उसके लिए आपको एक पिल्लो की ज़रूरत पड़ेगी और ये क्या मैं वर्क करेगा, मैकेनिज्म करेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सीधे खड़े हो जाना है और एक पिल्लो को, आपके पास इतना छोटा पिल्लो नहीं है तो आप कोई टॉवल ले लीजिए, उसका रोल बना लीजिए थोड़ा सा इस गर्थ हो जिसकी, और उसको आपको आपके पैरों के बीच में रखना है। इससे क्या मैकेनिज्म होगा, जो आपके पैर जो अंदर की तरफ इस तरह से मुड़े हुए हैं उनके बीच में गैप जनरेट होगा। मैं आपको इसका डेमो करके बताती हूँ। ये जो पिलो है मुझे इस तरह से अपने दोनों घुटनों के बीच में रख के इस तरह से 10 मिनट तक लगभग खड़े रहना पड़ेगा। अगर आप 10 मिनट तक नहीं रह सकते तो धीरे धीरे स्टार्ट करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत पेन हो सकता है, क्योंकि आपके जो घुटने हैं वो इस तरह से अंदर की तरफ होंगे तो आपको उनको अलग करने के लिए यहाँ पिलो लगाना पड़ेगा और वो काफ़ी पेनफुल हो सकता है। तो आप पहले 3 minutes, फिर जब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाए तो 5 minutes, 8 minutes और 10 minutes तक कर सकते हैं। तो जिन लोगों को नॉकनीज की प्रॉब्लम है आप उन सब से ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं और आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।